अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हर बार आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम बहुत सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ प्रोवाइड किया जाए। इसी सिलसिले में आज हम गुफ्तगू करेंगे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से। 25 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूसुफ खान, जो कि हमें ज्वाइन करेंगे दुबई से। डॉक्टर यूसुफ के बारे में बताती चलूं कि डॉक्टर यूसुफ का तजुर्बा फार्मेसी डिपार्टमेंट में तकरीबन 15 साल रहा है। डॉक्टर यूसुफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आजकल दुबई अल कोएत हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर यूसुफ के साथ एक चीज का ये भी हम इसको क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर यूसुफ ने जब से कोविड-19 आया तो उस पेंडेमिक के सिलसिले में डॉक्टर यूसुफ की जो सर्विसेज रही हैं उसमें शारजा एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल में फार्मेसी के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में वो इंचार्ज रहे। और साथ ही साथ डॉक्टर यूसुफ के तजुर्बे की बुनियाद पर आज हम उनसे ये सवालात भी करेंगे कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या है और फार्मेसी डिपार्टमेंट कितना अहम किरदार अदा करती है किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने हिसाब से। आज हम गुफ्तगू में बहुत सारे ऐसे सवालात करेंगे जो शायद मेरे लिए भी और आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव भी साबित होंगे और हमें मालूम होगा कि फार्मेसी कितना अहम किरदार अदा करती है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। जी यूसुफ साहब, जैसे कि आपको पता है कि हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से, और आपका क्योंकि माशाल्लाह तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है और आप इस फील्ड में बहुत सारी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, तो पहला सवाल जो मैं आपसे कर रही हूँ वो सवाल ये है कि बेसिकली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और इसकी सिग्निफिकेंस बेसिकली है क्या, अगर हम लोगों को बताना चाहें तो। सबसे पहले तो आपके तवस्सुस से मैं तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग हो या मार्केटिंग हो, और जितना भी हेल्थ केयर स्टाफ है बशमूल डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजिशियंस, पैरामेडिक स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट या जितने भी हेल्थ केयर पर्सनल्स मौजूद हैं, उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिनकी वजह से और जिनके साथ की वजह से हम सोसाइटी को एक बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश में काम से। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं एक हेल्थ केयर सिस्टम की, तो बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो तकसीम होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और हर डिपार्टमेंट जब तक अपने अपने सेगमेंट में इम्प्रूवमेंट लेके नहीं आता, बेहतरी की तरफ नहीं जाता, जब तक हम एक केयर सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ग्रोथ किया, डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट की, तो डेफिनेटली हर डिपार्टमेंट को जब तक उसका रोल एस्टैब्लिश नहीं हो, उसको हेल्थ केयर सिस्टम में किस रोल के थ्रू मूव करना है, कहाँ कम्युनिकेट करना है इस हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, जब तक वो डिपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, यही वजह कि 2009 के अंदर जो हमारे टर्की के फेलोज हैं, टर्की फार्मेसी काउंसिल, उन्होंने प्रपोजल दिया इंटरनेशनल फेडरेशन फार्मास्यूटिकल्स को कि एक डे ऐसा सेलिब्रेट होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो एज अ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, जिसकी वजह से हम दुनिया को बता सकें कि बेसिकली फार्मासिस्ट का रोल क्या है। अनफॉर्चुनेटली फार्मेसी डिपार्टमेंट बड़ा अनरेटेड रहा इन द पास्ट, आज के वजह उसकी यही अवेयरनेस इतना क्रिएट नहीं करता, लेकिन आज काबिल हो रहे हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट के रोल को ना सिर्फ एस्टैब्लिश कर सकें हेल्थ केयर सिस्टम में, बल्कि हम सोसाइटी के अंदर भी मूव कर रहे हैं ताकि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि ये एक साइंटिफिक ग्रेजुएट, एक साइंटिफिक प्रोफेशनल इंडिविजुअल, जिसे आप एक फार्मासिस्ट का नाम देते हैं, वो बेसिकली एक मेडिसिनल एक्सपर्ट है जो आप मेडिसिन के यूज को इफेक्टिव बनाता है आपके। बिल्कुल सही, बेसिकली कि अगर हम बात एक केमिकल मॉलिक्यूल, एक हाँ वो असर किस किन हालात में होता है पेशेंट पर, किस अंदाज से होता है, ये एक फार्मासिस्ट का काम है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि जो दवा जिस ट्रीटमेंट के लिए वो पेशेंट ले रहा है वो इफेक्टिव हो, उसके लिए मुफीद हो, यही एक फार्मासिस्ट का ऑब्जेक्टिव है और रोल है।
ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, आपके सवाल के साथ ही, आपके जवाब के साथ ही अपना एक और सवाल ऐड करूंगी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट के रोल की, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि दुनिया भर में और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या जो फार्मासिस्ट हैं उनको अभी भी उस तरह से नहीं देखा जाता, या शायद उस तरीके से उनको सराहा नहीं जाता जिस तरह का वो काम कर रहे हैं या सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आप ख़ुद माशाल्लाह बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हैं। तो आम फहम लोगों को आप, मैं अगर चाहूँ कि इसको थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करें कि बेसिकली फार्मासिस्ट का जो रोल है वो किसी भी मुल्क में जब जहाँ भी वो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो बेसिकली है क्या और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, इस पर रोशनी डालना चाहूंगा। अब इसी बात को हम ले लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो हर साल हम डिफरेंट थीम्स के साथ करते हैं, और बेसिकली जो थीम्स होती हैं वो हमें अगले साल का एक डायरेक्शन देती हैं कि हमें क्या करना है। ट्रू। जैसे लास्ट ईयर हमारा जो हमारी थीम थी सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन फॉर ऑल, इस जो थीम हमारी आई है वो थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल। इट्स मीन्स के आने वाले दिनों में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक से हम पूरी दुनिया अफेक्टिव है, और ये अफेक्टिव दुनिया में हमें तीन चार मसाइल का सामना है। इसमें मेडिकेशन की शॉर्टेज भी हो सकती है, वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा आंसर है। तो यहाँ पर हम देखें फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होने जा रहा है इन द फ्यूचर, जो हम ट्राई करेंगे विद द पैसिव टाइम। आपने बात की फार्मासिस्ट के रोल की, तो मैं यूं कहना चाहूंगा कि बेसिकली मैं इस फार्मासिस्ट के रोल को पांच सेगमेंट्स के अंदर देखता हूं। सबसे पहला सेगमेंट तो हमारा स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटीज से। अच्छा, फार्मासिस्ट मैं बात कर रहा हूँ सेफ इंश्योर कर रहा है सेफ्टी ऑफ मेडिकेशंस की, तो ये समझिए कि एक केमिकल मॉलिक्यूल जिसको हम रिसर्च के जरिए टेस्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये केमिकल मॉलिक्यूल पेशेंट्स में मुफीद साबित हो सकता है, एक पर्टिकुलर डोज, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर वो दिन में दो बार दिया जाए या तीन बार। रिसर्च मॉलिक्यूल को जब हम आइडेंटिफाई करने के बाद अप्रूव कर देते हैं कि हाँ ये लोगों को दी जा सकती है, उस टैबलेट या मेडिकेशन उस फॉर्मुलेशन को लेने के बाद हम उसको मास प्रोडक्शन पे प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज के, ठीक है, फिर वो इंडस्ट्रीज में मेडिसिन निकलती है, दवा निकलती है, और वो जाती है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपके शहर के डिस्ट्रीब्यूटर में आती है, फिर वो आपके शहर के डिस्ट्रीब्यूटर से निकल के होलसेल्स में, रिटेल्स में जाती है, ठीक है, रिटेल में जाने के बाद फिर वो अपने एंड कंज्यूमर के पास जाती है, पेशेंट के पास। इन तमाम सफर में, इस तमाम सफर में जो मेडिकेशंस की स्टोरेज कंडीशंस हैं कि वो अपने सही असल हालत में रहे, इफेक्टिव हालत में रहे, ताकि जो पेशेंट पास जाए तो उसे फायदा दे सके। बिल्कुल सही। तो पेशेंट उस टैबलेट को ले रहा है या मेडिसिन को ले रहा है, वो उसी वक्त आरामद होगी जब वो सही डोज में, सही वक्त में, सही चीजों के साथ जाए। बिल्कुल ठीक। इन चीजों को इंश्योर करने वाला जो प्रोफेशन है वो है फार्मासिस्ट। बिल्कुल सही। फार्मासिस्ट। अब इस सेगमेंट को मैं डिवाइड करता हूँ, जो पूरा एक सफर है रिसर्च से लेके डेवलपमेंट से लेके एंड यूजर की कंसेप्शन तक, वो बेसिकली सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है। तो पहला जो सेगमेंट है वो है हमारा यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, जहाँ पर जहाँ से हम डेवलप करते हैं हमारे बेसिकली, वहां तो आपको मिल रही है बेसिक इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट है उसकी इंफॉर्मेशन, ताकि वो आगे पढ़ सके। ठीक। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, अच्छा यहाँ पर हम बहुत बड़ा फर्क भी हमें नजर आना लगा है यूनिवर्सिटी से। पहले हम देख सकते हैं कि अगर हम 10 साल 12 साल पहले की बात करें तो हमारे पास बड़ी मकसद यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को ऑफर करती थी। बिल्कुल सही। आज हमारे पास यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जो ऑफर कर रही है। सेकेंडली, कल बाई चॉइस नहीं आता था, अगर वो कहीं, अगर उसके सेकेंड ऑप्शन होता था उसका फार्मेसी डिपार्टमेंट, कहीं और कुछ नहीं वो फार्मेसी को चूज करता था बाय फोर्स। इतनी बड़ी चेंज, आप जितने फार्मासिस्ट प्रोफेशनल पर ईयर निकाल रहे हैं इस बात से वजाहत हो रही है कि लोगों में फार्मेसी की समझ आ रही है। सही। ये बात
कि यूरोपियन सोसाइटी, एशिया पैसिफिक या जीसीसी रीजन में ये तीनों डिफरेंट क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं। हम यूरोप की तरफ देखते हैं तो बहुत फार्मासिस्ट वहाँ स्टैंडर्ड हो चुका है। अगर हम किसी की बात करते हैं तो डेफिनेटली डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन यस अवेयरनेस वहाँ क्रिएट हो चुकी है, वहाँ पर फार्मासिस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इस लेवल पे हमारे पास एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आना स्टार्ट। जब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद एक फार्मासिस्ट प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बाहर आता है तो उसके पास तीन मेजर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आता है इंडस्ट्री का ऑप्शन, सेकंड है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, और तीसरा है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। पहले हम बात करें इंडस्ट्रीज। हमारे मुल्क में सब पाकिस्तान रीजन में वो वाहिद मुल्क है या उन मुल्कों में इसका शुमार होता है जहाँ पर मेडिसिन की किल्लत बहुत कम से कम रिकॉर्ड की जाए। बिल्कुल सही। इसका साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होता है जो कि ना सिर्फ बल्क प्रोडक्शन कर रही हैं बल्कि इस बात की फोरकास्ट कर रही हैं कि आने वाले साल में आपके कितने मरीज होंगे या कितनी दवा इस्तेमाल की जा सकती है और वो पटे नहीं आने। ये एक बहुत बड़ी नेमत है वो रिसर्च में भी रखती है, सारी उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इन अ फॉर्म के बहुत सारी बार जो मॉलिक्यूल पे वो रिसर्च करते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। सालों में कोई एक दो मॉलिक्यूल होते हैं जो अप्रूव हो जाते हैं कि हाँ वो दवा पेशेंट बेनिफिट या हेल्थ सिस्टम के अंदर यूज की जा सकती है, इफेक्टिव। ठीक। तो बेसिकली इंडस्ट्री ना सिर्फ बल्क फॉर्मुलेशन कर रहे हैं मेडिसिन की बल्कि इस बात को भी कर रहे हैं कि नए मॉलिक्यूल्स मार्केट के अंदर आए जो कि बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी गुफ्तगू इतनी अच्छी, आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं आपको बीच में रोकूं, लेकिन यहाँ पर मेरे जहन में एक और सवाल भी आता है जिसमें हम बात करते हैं मेडिकेशन एरर्स की। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता और जाहिर सी बात है क्योंकि फार्मासिस्ट जो होता है उसका डिपार्टमेंट ये होता है, तो मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट कीजिएगा कि बेसिकली मेडिकेशन एरर्स होते क्या हैं और फार्मासिस्ट उसको किस तरीके से मैनेज करता है या हैंडल करता है। मैं आपके सवाल की तरफ भी वापस आऊंगा। जी मैं पहले इस रोल को कंप्लीट कर लूँ, जरूर इंडस्ट्री को कंप्लीट कर लूँ, बाकी जो सेगमेंट है उसमें भी उसका रोल इंसरसाइज कर दूँ आपको, उसकी तरफ वापस आता हूँ सवाल की तरफ। तो जहाँ इंडस्ट्री का ताल्लुक है, जो इसका थर्ड मेजर एलिमेंट है आपके इंडस्ट्रीज, लेकिन अगर मैं डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट तो मैं दिन में चार टैबलेट्स या चार से ज्यादा टैबलेट्स ले रहा हूँ और पेशेंट तंग आने लगता है कि मैं कितने टैबलेट्स एक साथ, तो जिसकी वजह से उसकी एडियरेंस रोज आना, वो टैबलेट ले नहीं ले मिस कर जाए, वो चीजें बढ़ना शुरू। जो इंडस्ट्रीज अपना फोकस करती हैं या एम्फसाइज कर रही हैं, और मेनली पाकिस्तान इंडस्ट्री में ऐसा मैंने देखा, दो तीन टैबलेट्स जो इंग्रीडियंट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको मिला के एक टैबलेट, जिससे कंप्लायंस बढ़ रही है पेशेंट्स से। सही। मतलब वो तीन की जगह चार टैबलेट्स की जगह एक टैबलेट लेते हैं, सो पेशेंट की कंप्लायंस बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है कि मैं चार की जगह एक टैबलेट ले रहा हूँ, ठीक है यार मैं ले सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है जो कि इंडस्ट्री साइड से, और यहाँ पर टोटल जो ये तमाम मॉलिक्यूल्स की डेवलपमेंट, इनकी जितनी भी इफेक्टिवनेस के लिए स्टोरेज कंडीशंस हैं, वो तमाम फार्मासिस्ट इंश्योर कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बात हुई हमारी इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा रोल अद्वियात की सप्लाईज में जो क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहे हैं। अब उसके बाकी सेगमेंट की तरफ आते हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट अपना रोल है, जो कि बेसिकली जड़े हैं सोसाइटी से, वो है हॉस्पिटल और कम्युनिटी। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, जितने भी अच्छा हॉस्पिटल फार्मेसी भी दो हिस्सों में तकसीम है। एक को हम पेशेंट फार्मेसी कहते हैं और एक आउट पेशेंट फार्मेसी। सही। एक ही हॉस्पिटल में दो डिपार्टमेंट्स। ठीक है। लेकिन फर्क काफी सा, जो इन पेशेंट फार्मेसी ही, यानी कि जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो उनको ट्रीट करते हैं, वो उनको यूजली मोस्टली हॉस्पिटल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर ये दोनों फार्मेसीज अलग अलग बनी।
होती हैं और अलग अलग ऑपरेशन होते हैं। कुछ जगहों पे ये सेंट्रल होती है, एक बड़ी सी फार्मेसी है जिसका एक साइड जो है वो इनपेशेंट को देखता है और दूसरा साइड आउटपेशेंट को। अगर हम इनपेशेंट की बात करें तो इनपेशेंट में जो फार्मासिस्ट है वो जो डॉक्टर का नुस्खा है, जो प्रिस्क्रिप्शन, उस प्रिस्क्रिप्शन में जितनी भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की गई है उनको इवेल्युएट कि क्या ये ड्रग्स का डोज, फ्रिक्वेंसी, जिन जिन मेडिकेशंस के साथ ये दी जा रही है क्या ये इन हालत में इफेक्टिव होगी, क्या इसमें कोई मेडिकेशन एरर तो नहीं, क्या प्रिस्क्राइबिंग एरर्स हम कह सकते हैं कि ये प्रिस्क्राइबिंग एरर तो नहीं, और अगर है तो वो कम्युनिकेट करता है डॉक्टर्स के साथ और उस प्रिस्क्रिप्शन को। इसका सबसे बड़ा आंसर और फायदा इस वक्त हमें इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, आप जानते हैं कि पेंडेमिक जब से अनाउंस हुआ तो दुनिया भर में जो फिजिशियंस हैं उनकी भी शॉर्टेज रही, हमने सुना कि फार्मासिस्ट की भी शॉर्टेजेस देखी है हमें। तो जब शॉर्टेजेस हुई तो तमाम जितने भी वो फिजिशियंस थे जो कि अंडर ट्रेनिंग थे, इंटर्नशिप पे थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, उनको कॉल कर दिया गया। जब उनको कॉल किया गया तो जाहिर सी बात है अगर मेरा सेगमेंट ENT है या मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ लेकिन ड्यू टू द पेंडेमिक मुझे इस डिजास्टर मैनेजमेंट में हिस्सा लेना है और मैं एज अ फिजिशियन ये अपना जो रोल है वो प्ले कर, तो हर किस्म के सेगमेंट के डॉक्टर्स ने जब वहाँ प्रिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट किए, प्रिस्क्राइब करना शुरू किया तो वहाँ मेडिकेशन एरर्स काफ़ी ज़्यादा रहे और वो जो एक सेंट्रल लाइन था जो उन मेडिकेशन एरर्स को रिड्यूस कर रहा था या सही कर रहा था इन प्रिस्क्रिप्शन एरर्स को, वो फार्मासिस्ट था, क्योंकि उनको ये पता था फिजिशियंस को कि हमारी तरफ से जो भी प्रिस्क्रिप्शन जाएगी फार्मासिस्ट उसको इंडोर्स करे जब तक कि वो उसको वेरीफाई ना कर दे वो मेडिकेशन डिस्पेंस, और ड्यूरिंग द वेरीफिकेशन फार्मासिस्ट वहां से जो प्रिस्क्राइबिंग एरर्स थे या जो मेडिकेशन एरर्स बन सकते थे उनको रिमूव कर। यहाँ पर फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा एक रोल प्ले इस पूरी पेंडेमिक। सेकेंडली जो इनपेशेंट के ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर हम अपनी सर्विसेज एक्सपेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम IV प्रिपरेशन बना के दिया करते हैं, कभी कस्टमराइज पेरेंटल न्यूट्रिशन होती हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई बर्न पेशेंट आ गया, उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए पर डे, अब ऐसी बात है वो फीड तो कर नहीं सकता तो हम उसको पेरेंटल सप्लाईज के थ्रू एक जो भी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है कि इसके 2000 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, उस किलो कैलोरीज के हिसाब से हम डेवलप करते हैं सोल्यूशन। मैं बात कर रहा था इन पेशेंट फार्मेसी की एक्सपेंशन प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ जो एक सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड मेडिकेशन एरर्स हैं वो डिस्पेंसिंग के होते हैं, जो फार्मासिस्ट ने इंश्योर करना होता है कि वो उसको रिड्यूस कर सके। बिल्कुल, बहुत सी मरतबा ऐसी दवाएं मौजूद जो जिनकी पैकेजिंग एक जैसी है या जिनके नाम बहुत मिलते जुलते हैं, तमाम की डिस्पेंसिंग के जो एरर्स हैं उसको रिड्यूस करने के लिए भी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो इकदाम उठाए गए वो बेसिकली फार्मेसी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो हर फॉर एग्जाम्पल हम हाई अलर्ट की बात कर लेते हैं, लोकल लाइक साउंड लाइक मेडिकेशन की बात करते हैं, और जो ये मेडिकेशन एरर्स है जो क्योंकि जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, मॉर्बिलिटीज हुई हैं, यहाँ से मीटअप, तो ये तमाम बात हुई है पेशेंट फार्मेसी की सर्विसेज। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपसे मेरा एक सवाल और था, क्योंकि अभी मैं आपके इंट्रोडक्शन में भी बता रही थी और आपने माशाल्लाह इतने अरसे सर्विसेज दी हैं, अभी भी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपने पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं फार्मेसी के डिपार्टमेंट पे, अब आजकल आप जाहिर है दुबई में अल-क़ुवैत हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं, कौन से ऐसे कुछ स्टेप्स आपको लगते हैं या आपको लगता है कि अभी भी ये डिफरेंसेस हैं कि अगर आप पाकिस्तान को देखें या अगर आप दुनिया भर में कहीं और पे भी देखें सिर्फ दुबई नहीं, आपको क्या महसूस होता है क्या क्या चीजें हमें मजीद करने की जरूरत है अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की? देखिए फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज अपना काम बहुत अच्छे से, बिल्कुल जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी, और जो मार्केटिंग सेगमेंट है, मार्केटिंग सेगमेंट पे मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत और काम करने की जरूरत है, हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, मार्केटिंग में डेफिनेटली हमें मेडिकेशंस के हवाले से, अद्वियात के हवाले से ज्यादा बात करनी चाहिए ना उसके डिमांड की, लेकिन हमारे यहाँ जो किल्लत वाला मामला है वो नहीं, शॉर्टेज अच्छा तो मसले मसाइल हमारे यहाँ है वो है स्टोरेज। सही, और इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लूंगा कि
अगर आप किसी कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर जाओ, कम्युनिटी हमारी जो सोसाइटीज में है वो फार्मेसीज, रिटेल फार्मेसीज या कम्युनिटी फार्मेसीज कहलाती हैं, जिसे हमारे यहाँ आम जबान में मेडिकल स्टोर कहा जाता है। अगर वहां पर एक प्रोफेशनल फार्मेसिस्ट मौजूद है तो वो सबसे पहले एंटर होने के बाद में देखेगा, जनाब मेरे इर्द गिर्द जो मेडिकेशंस मौजूद है क्या वो सही स्टोरेज कंडीशंस पे इम्प्लीमेंटेड है, नहीं है तो ये इनको क्या फायदा है। पहली बात वो इस बात को एड्रेस कर रहा है कि जनाब जो मेडिसिन मेरे पास मौजूद है वो एक सही डिस्ट्रीब्यूटर से आई है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि सही स्टोरेज का कंडीशन का ख्याल रखता है, तभी आपकी कार आ जाए। वरना 30 सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो दवा आपके सामने कॉर्नर पे शेल्फ पर रखी हुई वो तो वैसे ही डिटो, दवा भी अगर 6 महीने के बाद ले रहा है तो कौन गारंटी कर रहा है कि वो दवा कारामद है। बिल्कुल सही बात। ये जो आउट ये जो कम्युनिटी फार्मेसी का फार्मासिस्ट है रिसीव कर रहा है आपकी पेशेंट्स, तो जो प्रिस्क्रिप्शन देख रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आप एक से ज्यादा मेडिकेशंस, पॉलीफार्मेसी वैसे होती है कि एक से ज्यादा मेडिकेशंस है सही, तो वो देख रहे हैं कौन कौन सी मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी ठीक है, डोजिंग ठीक है, ये मेडिसिन कब देनी चाहिए, खाने से पहले के बाद, क्योंकि इन तमाम चीजों का बड़ा असर होता है उसके दवा के असरअंदाज। बिल्कुल, कौन सी दवा पहले कौन सी बाद में, कौन सी दो दवाएं एक साथ ली जा सकती है कौन सी नहीं ली जा सकती, आप गजाएं खा रहे हैं क्या इनके साथ ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती, बहुत सी मरतबा दवाएं खा रहे होते हैं और उनको असर नहीं हो रहा होता, ये नहीं हो रहा होता कि या तो मेडिकेशन सही नहीं है, स्टोरेज कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही, या आप गलती से ऐसी चीजों के साथ खा रहे हैं जिससे उसका असर गया, बिल्कुल वो दवा हो रही है, दवा अपना काम करेगी उस वक्त करेगी जब वो सही वक्त सही चीज के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा यूसुफ साहब, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में और आया, क्योंकि अभी आपने गुफ्तगू के दौरान बताया कि COVID-19 का जब से ये पेंडेमिक का सिलसिला हुआ आपने भी शारजा में एक्सपो COVID-19 की फील्ड में अपनी सर्विसेज दी, उस हवाले से थोड़ा सा लोगों को अगर बताना चाहें एज ए फार्मासिस्ट आपको क्या तजुर्बात हुए या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें अपनी तजुर्बे की बुनियाद पर। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने इस काबिल समझा कि मुझे इंचार्ज ऑपरेशंस एक्सपो हॉस्पिटल में, और बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था हमारा, काफी चैलेंजेस थे उस पूरे एनवायरनमेंट के, डेफिनेटली दे जो हमारे पास टर्नओवर और जिस फील्ड हॉस्पिटल को मैं मैनेज कर रहा था, जिस फार्मेसी डिपार्टमेंट को मैं मैनेज कर रहा था, 2200 पेशेंट्स का टर्नओवर सही। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अपनी टीम बिल्ड, कि मतलब ये है कि जो फार्मासिस्ट जो मुझे प्रोवाइड किया गया असिस्टेंट और फार्मासिस्ट था, तो हॉस्पिटल एक्सपीरियंस उनका लेस था, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिक मतलब जो फिल क्लिनिक्स होते हैं वहाँ से प्रोवाइड किए गए, उनको ट्रेन कर उसी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जब आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं और आप अपने ही कोलीग्स को ट्रेन कर रहे हैं, सबसे पहले तो ट्रेनिंग का एक मरहला था जो कि अलहमदिल्ला काफ़ी जल्दी हम लोग सही था कि मेडिकेशन सप्लाईज हैं हम उनको कैसे इंश्योर, उस सप्लाईज को करने के लिए डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग क्या मेडिकेशंस कितनी यूज हो रही हैं, फिर हमारे पास अप्रूव मेडिकेशंस आ रही थी जो हम ट्रायल मेडिकेशन यूज कर रहे थे, एक बड़ी एक्सपेंसिव और बड़ी मुश्किलों से मिलने वाली मेडिसिन जो कि मोस्टली इम्पोर्ट सही, तो वहाँ पर बड़े थे कि हम किस तरीके से पेशेंट्स को कैटर ऑफ करें, डेफिनेटली जो पेशेंट आ चुके हैं उनको तो हमें मेडिसिन देनी है, तो डेली पे हम पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे थे, उनकी नंबर क्वान्टिटी ऑफ टैबलेट्स को लुक आफ्टर कर रहे थे, कितनी रिक्वायर्ड है कितनी डिमांड होती सप्लाई होती थी, प्लस एक सिस्टम डेवलप करना पड़ा इस पूरे सिस्टम में कि कैसे मेडिकेशन डिस्पेंस होंगी, प्लस जो नर्सिंग डिपार्टमेंट आपके क्वारंटाइन एरिया के अंदर मौजूद है वो कैसे डिवेलप करेगा मेडिकेशंस को पेशेंट्स को, और इंश्योर करेगा कि पेशेंट्स टैबलेट या मेडिकेशन वक्त पे ले। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें हमारी सर्विस थी कि हम भी क्वारंटाइन एरिया में एंटर होंगे पेशेंट्स को प्रोवाइड करें, जो कि यहाँ की जो मिनिस्ट्री को उसने अप्रूव किया। ठीक बिल्कुल सही, तो ये एलिमेंट ठीक है। अच्छा अच्छा बड़ा जी जी बिल्कुल बताइए, जो
एलिमेंट रहा वो वही रहा जो मैंने आपसे जिक्र किया कि प्रिस्क्रिप्शन एरर्स बहुत जाहिर सी बात है एक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या ईएनटी अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहा और ये जितनी भी मेडिकेशंस हैं एंटीवायरल्स या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो ये बेसिकली एक रेजिमेंट नहीं होता इनका रेजिमेंट लोडिंग डोज पे स्टार्ट होता है और उसके बाद हम टेटर ऑफ करते हैं उसको मेंटेनेंस डोज पे फॉर 4 डेज या बाकी की 5 डेज इस तरह की थेरेपी होती है तो हमें ये देखना इंश्योर करना होता है कि जो लोडिंग डोज गई है वो फर्स्ट डे गई है और बाकी जो मेंटेनेंस डोज है वो नेक्स्ट डेज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिस्क्रिप्शन आपने प्रिस्क्राइब की है दोनों ही आपने उसमें लिखती है मेंटेनेंस भी लोडिंग अगर मैं वेरीफाई कर देता तो नर्स लोडिंग डोज भी देगी उनको मेंटेनेंस डोज सही डोजिंग ठीक है। अच्छा यूसुफ साहब सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी तफसील से सारे लिसनर्स को व्यूअर्स को बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी दिया। जाते जाते बस मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हम आज के सेशन को सम अप भी करें क्योंकि दुनिया भर में 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइएगा कोई भी छोटा सा मैसेज जो आप आम फहम आवाम को देना चाहें, लोगों की आगाही के लिए देना चाहें हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। मैं कहना चाहूंगा कि फार्मेसी कोई कारोबार नहीं, फार्मेसी प्रोफेशन है और ये प्रोफेशन इंश्योर करता है कि आपको एक सही दवा सही वक्त में सही चीजों के साथ मिले ताकि वो आपके लिए मुफीद हो। और जब तक हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं होगा सोसाइटीज में इस चीज की अवेयरनेस जो आप सर दर्द के लेने दवा लेने जाते हैं फार्मासिस्ट के पास प्रोफेशनल इंडिविजुअल आपको ये नहीं पता था कि ये टैबलेट आप लें या ना लें जब तक ये कल ही हमारी एस्टैब्लिश नहीं हुई। बिल्कुल सही, हमारा मेन साइटी को एस्टैब्लिश करना बिल्कुल तमाम सेक्टर्स या डिपार्टमेंट्स के साथ। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया था दुबई से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारी कोशिश होती है कि हर बार आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोग्राम लेकर आएं। दुआओं में मुझे और हमारी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।